सुबह सुबह मध्य प्रदेश में घुसते ही राहुल गांधी का भव्य स्वागत। वीडियो देख पूरी दुनिया हुई हैरान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 30 सितंबर को शाहजहांपुर के काला पीपल के बाद 10 अक्टूबर को शहडोल के व्योहारी में आएंगे। चुनाव अभियान के अंतर्गत कांग्रेस का विंध्याचल में पहला कार्यक्रम होगा। यहाँ राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा धार के मोहन खेड़ा आएंगी। यहां जनसभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। देपालपुर से विधायक विशाल पटेल को कार्यक्रम का समन्वयक बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि पहले दौर में राष्ट्रीय नेता एक एक करके सभी अंचलों में कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद संभागीय मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे। राहुल गांधी के प्रदेश में दौरों की शुरुआत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी बहुल क्षेत्र काला पीपल से हो रही है। यहाँ ओबीसी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के साथ जातीय गणना का मुद्दा उठा सकते हैं। साथ ही किसानों के विषय में भी अपनी बात रखेंगे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने मंदसौर में किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे आदिवासी बहुल शहडोल के व्योहारी में 10 अक्टूबर को आएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में आदिवासी समुदाय को संबोधित कर चुके हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी शहडोल में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उधर मालवांचल में कांग्रेस का पहला बड़ा कार्यक्रम 5 अक्टूबर को धार के मोहन खेड़ा में होने जा रहा है। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा होगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।